अखिलेश यादव ने ट्वीट कर तंज कसा है। सरकार पर अखिलेश यादव ने तंज कसा है ट्वीट करके उन्होंने कई सवाल खड़े किए हैं। शराब की दुकानों पर भीड़ को लेकर यह ट्वीट किया गया है। 5 ट्रिलियन के लिए इसी लाइन में लगना है, ये बात अखिलेश यादव ने सरकार पर तंज कसते हुए कही है। तो लोग हैं कि लापरवाही से बाज नहीं आ रहे, तो दूसरी तरफ कोरोना का कहर रुकने का नाम नहीं ले रहा। रिपोर्ट देखिए। प्रदेश में कोरोना का कहर 3000 के करीब पहुंच गया है। वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या हर घंटे नया आंकड़ा रख रही है। कोरोना के कातिल कदम प्रदेश के पश्चिमी हिस्से को ज्यादा कुचल रहे हैं। इसमें 6 प्रमुख जिलों की बात करें तो आगरा में 600 से ज्यादा मरीज हो चुके हैं, सहारनपुर में 200 के पार संक्रमित हैं, नोएडा में 300 के करीब संक्रमित हैं, मुरादाबाद में 115 और फिरोजाबाद में 147, मेरठ में मरीजों की संख्या 150 के पार है। वहीं सरकार की ओर से जारी आंकड़ों की बात करें तो प्रदेश के 64 जिलों में कोरोना है, 43 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, 3000 के करीब संक्रमित मरीज पाए गए हैं। कुल एक्टिव केसेस की संख्या 1939, ये संक्रमण कुल 64 जिलों से आए हैं, कुल संख्या 2742। प्रदेश में वायरस की जकड़ धीरे ही सही लेकिन बिना रुके बढ़ रही है। कुछ जिलों में तो संक्रमण मौत में बदलने लगा है। जिलेवार नए आंकड़ों की बात करें तो मेरठ 150 के पार मरीज, मेरठ में 14 नए केस के साथ ही कोरोना का नया ग्राफ 150 को पार कर गया है। फिलहाल नए मरीजों को अस्पताल में भर्ती कराकर आसपास के एरिया को सैनिटाइज किया जा रहा। मथुरा 3 मरीजों की मौत, कोरोना के कातिल कदम मथुरा में भी दस्तक दे चुके हैं। 3 नए मरीजों में कोरोना की पुष्टि के बाद प्रशासन अभी उनकी देखरेख शुरू किया था कि एक मरीज की मौत हो गई। इसके साथ ही जिले में अब तक 3 की मौत हो चुकी है। बरेली कोरोना का नया केस, बरेली में कोरोना का एक और मामला सामने आया है। फरीदपुर की महिला में कोरोना की पुष्टि हुई है, ACMO ने कोरोना की पुष्टि की है। इस पेशेंट को हमारी L2 फैसिलिटी, चूंकि बच्चा छोटा है तो बच्चे के साथ प्रसूता को L2 फैसिलिटी SRMS मेडिकल कॉलेज में रेफर किया जा रहा है। आगरा 610 के पार मरीज, आगरा को तो कोरोना ने अपना गढ़ बना लिया है। यहाँ संक्रमित मरीजों की संख्या कई जिलों के बराबर अकेले है। 15 नए मामले आने के बाद जिले में मरीजों की संख्या 612 को पार कर गई है। टोटल 15 केस नए आए थे, इसको मिला दें तो टोटल केस हमारे जनपद के 612 है। सीतापुर 1 नया केस, सीतापुर में एक गर्भवती महिला की जांच रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने के बाद हड़कंप मच गया है। रिपोर्ट आते ही 1 किलोमीटर के दायरे को सैनिटाइज किया जा रहा। ये पॉजिटिव पाई गई और इन्हें तत्काल हॉस्पिटल के लिए लखनऊ में रेफर किया गया है। कानपुर 14 नए केस मिले, कानपुर में भी कोरोना का कहर आगरा की तरह बरस रहा है। 14 नए केस मिलने के बाद प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम एरिया को सील कर आगे की कार्रवाई कर रही है। रायबरेली प्राइवेट डॉक्टर पॉजिटिव, रायबरेली में कोरोना एक बार फिर से संक्रमण का खेल शुरू कर चुका है। प्राइवेट डॉक्टर की रिपोर्ट पॉजिटिव आते ही स्टाफ समेत 12 लोगों को भर्ती करा दिया गया है। जौनपुर 1 नया केस, जौनपुर में एक और कोरोना पॉजिटिव मिलने से हड़कंप मच गया। कोरोना मरीज परवल हरियाणा से आया था, तबीयत ठीक नहीं होने पर उसे हरियाणा में क्वारंटाइन किया गया था लेकिन वो वहां से भागकर जौनपुर आ गया। दीनदयाल उपाध्याय वाराणसी में भेज दिया गया है, अब इनके जो कॉन्टैक्ट है उसको हम लोग तलाश कर रहे हैं। कोरोना का ग्राफ दिनों दिन बढ़ रहा, वैक्सीन का इंतजार हो रहा लेकिन इतना तो तय है कि यदि लापरवाही जारी रही तो आंकड़ा रुकेगा नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। और इस बीच नोएडा से बड़ी खबर है जहां पर 12 नए कोरोना पॉजिटिव आज सामने आए हैं।